हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएनए क्लासेस और आज का केमिस्ट्री कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको मेरी स्टोरी भी केमिस्ट्री से ही है तो मेरी इस केमिस्ट्री स्टोरी का जो मेन uh, कैरेक्टर है जो हीरो है दैट इज़ के ओ एच ये जो के ओ एच है ये बहुत पक्का फ्रेंड है जिससे भी दोस्ती करता है उसके जैसा हो जाता है बड़ा इंस्पायर हो जाता है जिससे भी फ्रेंडशिप करता है उससे तो एक बार इस के ओ एच का फ्रेंडशिप हो गया अल्कोहल के साथ में तो ये बन गया अल्कोहलिक के ओ एच अब इस अल्कोहलिक के ओ एच का मुलाकात हुआ ये मिलने गया हेलो एल्कैन के साथ हेलो एल्केकैन से जब ये मिला तो इसने हेलोअल्केन से ज़बरदस्ती हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव कर लिया एलिमिनेट कर दिया और हेलो एल्केन को कन्वर्ट कर दिया एल्किन में ऐसा कई बार हुआ तो हेलो एल्केन्स पड़े परेशान सारे हेलो एल्केन्स मिलकर गए केमिस्ट्री टीचर के पास और बोले कि हम इस अल्कोहलिक के ओइट से बहुत परेशान हैं हमसे ज़बरदस्ती हाइड्रोजन और हेलोजन खींच खींच कर ले जाता है रिमूव कर देता है एलिमिनेट करके ले जाता है और हमको जबरन में एल्किन्स के साथ रहना पड़ रहा है आप इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन फाइंड करिए केमिस्ट्री टीचर बोलिए एक काम करिए इस के एच की फ्रेंडशिप करवा दीजिए एक्वा के साथ में तो अब के एच का फ्रेंडशिप करवा दिया गया एक्वा के साथ तो अब ये कहलाने लगा एक्वस के ओ एच ये एक्वस के ओ एच अब जब हेलो एल्केन से मिलता तो उनसे रिस्पेक्टफुली कहता कि आप मुझे हेलोजन आइटम दे दीजिए और बदले में मुझसे ओ एच आयंस ले लीजिए सारे हेलो एल्केन्स बड़े खुश कि इस बार कुछ छीन नहीं रहा है बड़ा चेंज आ गया है इसके नेचर में अब ये यदि कुछ ले रहा है तो बदले में कुछ देकर भी जा रहा है तो उन्होंने खुशी खुशी उसको हेलोजन आइटम दिया बदले में ओ एच आयन लिया और कन्वर्ट हो गए अल्कोहल में तो ये जो सब्सटीट्यूशन था ही हमारे हेलो अल्कि्स को बड़ा पसंद आया अब इस स्टोरी का मोरल क्या है स्टोरी इतनी है मोरल क्या है मोरल यह है कि संगति का असर ज़रूर पड़ता है आपसे क्यों बोला जाता है कि अच्छे फ्रेंड्स होना चाहिए आपका एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए क्योंकि मोर और लेस हम सभी अपने फ्रेंड्स अपने सर्कल से अफेक्ट होते हैं बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने मैच्योर हों या बहुत कम ऐसे पर्सन्स हैं जो इतने मैच्योर हों कि सराउंडिंग्स का उनके सर्कल का उनके फ्रेंड्स का उन पर कोई असर नहीं होता हो तो इसीलिए आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स आपको बार बार कहते हैं अच्छे फ्रेंड्स बनाइए आपका सर्कल अच्छा होना चाहिए ठीक है कैसी लगी स्टोरी एंड मोरल कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप केमिस्ट्री का कंसेप्ट बात कर लेते हैं सो वैन हेलो एल्किन इज ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक के ओ एच इट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज एल्कीन बट सेम हेलो एल्किन When treated with aqueous KOH, it gives substitution reaction and product is alcohol. to so same hamara uh, jo chemical है, jo reagent hai KOH wo same hai hamare matlab reactant same hai but बहुत different reaction दे रहे हैं। जब हम alcoholic KOH use करते हैं hello alkene के साथ में, तो ये alkenes में convert हो जाते हैं। और जब हम aqueous KOH use करते हैं hello alkene के साथ में तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में तो सेम रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं बट हमको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं डिफरेंट रिएक्शंस हमको मिल रही हैं अल्कोहलिक के के साथ हमको इलिमिनेशन रिएक्शन मिल रही है जबकि एक्वस के के साथ हमको एसन रिएक्शन मिल रही है तो ऐसा क्यों है के का यदि आप मीडियम चेंज करते हैं तो डिफरेंट रिएक्शंस या इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है क्यों ये डिफरेंट रिएक्शंस देने लगता है चलिए देखते हैं सो फर्स्ट टेक रिएक्शन विथ एक्वस क्यूएच दिस इज सी टू एच फाइव सी एल क्लोरोथेन वैन रिएक्ट विथ एक्वस क्यूएच इट गिव्स एसन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दैट्स वाई दर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल एंड के सी एल वाई इन एक्वस फॉर्म koh gives substitution reaction nucleophilic substitution reaction so actually when koh is dissolved in water uh, in aqueous form <clears throat> this koh dissociates into potassium ion k plus ion and oh minus ions these oh minus ions are strong nucleophiles they act as strong nucleophile as compared to Cl ions or halide ions. So, that is why they can substitute, they can displace the Cl ion or halide ion from haloalkene and gives SN reaction. That is why the product is C2H5OH because this OH, this OH substitute the Cl and so the reactions are nucleophilic substitution reaction now second reaction which when c2h5cl same haloalkane react with alcoholic koh it gives alkene that is ethene plus kcl and water molecule why is it so why there is elimination reaction this reaction is the example of elimination reaction There is elimination of halogen and hydrogen from the haloalkene. That's why it is converted into C2H4. dekhiye ek hydrogen and halogen remove karenge to ye convert ho jayega C2H4 mein alkenes mein क्यों ऐसा होता है कि जब आप KOH को ko alcoholic solution के form में use करते हैं तो ये elimination reaction देता है. Reason है वैम के ओ एच इज़ डिज़ोल्व इन एनी अल्कोहल मैंने जो कॉमनली यूज एल्कोहल है इथेनॉल मैंने लिया हुआ है सो वैम के ओ एच इज डिज़ोल्व इन इथेनॉल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डेफिनेटली देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ के आयन्स पोटेशियम आयन्स बनेंगे लेकिन साथ में यहाँ पर बनते हैं एल्कॉक्साइड आयन्स मेरा यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन है दैट इज इथॉक्साइड आयन सी टू एच फाइव ओ माइनस आयन्स बनेंगे जिसका नाम है इथॉक्साइड आयन तो पोटेशियम आयन्स बनने के साथ साथ यहाँ पर जो हमने मीडियम यूज़ किया है अल्कोहल, उससे प्रोड्यूस होंगे एल्कोक्साइड आयन्स प्लस बनेगा वाटर मॉलिक्यूल क्योंकि इस मॉलिक्यूल से H प्लस आयन रिमूव होगा यहाँ से OH एच माइनस आयन रिमूव होगा इट विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल डीज सी टू एच फाइव ओ आयस डीज इथॉक्साइड आयन और कॉमनली वी कॉल एल्कॉक्साइड आयनस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं ब्रॉन्स्टर्ड लॉरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं H+ प्लस आयन जो एक्सेप्ट करते हैं दे आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस सो ये जो एल्कोक्साइड आयन्स यहाँ बन रहे हैं दे एक्ट एज स्ट्रोंग बेस एंड दे रिमूव दे एब्स्ट्रैक्ट द H+ प्लस आयन्स फ्रॉम हेलोअल्कीस हेलोअल्कीस का जो बीटा कार्बन है उससे ये हाइड्रोजन को एच प्लस आयन को रिमूव कर लेते हैं एंड दैट्स वाई आर हेलो एल्केन्स आर कन्वर्टेड इन टू डेफिनेटली के प्लस आयन विल कंबाइन विथ है आयन क्लोराइड आयन एंड इट विल फॉर्म के सी एल बट यहाँ जो डिफ्रेंस है वो यही है कि जब आप जब भी के ओ एच को एल्कोहल में डिजॉल्व करेंगे एल्कॉक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा और ये अल्कोक्साइड आयन एक्ट करेगा एज अ स्ट्रांग बेस विच रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द हेलोइल्किन एंड दैट्स वाई देर इज एलिमिनेशन रिएक्शन आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि वाई एल्कोहलिक के गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन एंड वाई एक्वस केओएच गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन दोनों को याद रखने के लिए ही मैंने आपको जो वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने स्टोरी सुनाई है वो केवल अल्कोहलिक एंड एक्वस के ओ की रिएक्शन लर्न करने के लिए सुनाई है